आपकी खिदमत में पेश है क्राइम ट्यूरो न्यूज। देखते रहिए माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं जारा शेख, क्राइम ट्यूरो न्यूज। हैदराबाद का मशहूर इंटीरियर गार्डन के रूबरू उस वक्त आवाम हैरान और परेशान हो गई कि बीच में एक गड्ढा पड़ गया और वो गड्ढे में नीचे जोरदार पानी की लहर जा रही है, आप देख सकते हैं। और हैरानी की इसीलिए भी ये बात है कि रोजाना हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और आंध्र के चीफ मिनिस्टर इसी रोड से गुजरा करते हैं और कोई भी बड़ा वाकया हो सकता था। जीएचएमसी के सिर्फ खोखले वादे और बातों की वजह से आज जीएचएमसी बदनाम है, लेकिन इस तरह की सड़क पर गड्ढा पड़ना आज साबित हो गया कि जीएचएमसी वाकई नाकारा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अलाहदेदारों के साथ एक मीटिंग की और उसमें कई ऐसे हिदायतें दी जीएचएमसी को। अब देखना है कि जीएचएमसी क्या करेगी। सैयद अरशद अली बाबा और सैयद ताजुद्दीन हुसैनी के साथ महेश शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। खास बात में हम बात करते हैं विजया रेड्डी मैडम से, जो एनटीआर गार्डन के बिल्कुल रूबरू एक डोर रोड डैमेज हो गई, उसके बारे में डिटेल्स पूछेंगे विजया रेड्डी मैडम। एक्चुअली ये रोड डैमेज हुआ, इसका रीज़न था जो ड्रेनेज नीचे फ्लो हो रहा वो कहीं पे डैमेज हुआ, इसलिए उसको गैसेस के वजह से रोड डैमेज हुआ। एक चलने हुआ मुसाफिर देखा कि एक छोटा सा होल था, जीएचएमसी वालों को अलर्ट करा तो उन्होंने एक नॉर्मल रोड डैमेज बोल के वो पॉट होल फिल करने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन उसका तारीफ करना है। वो जो उन्होंने रियलाइज़ किया कि जस्ट रोड डैमेज नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बोल के वाटर वर्क डिपार्टमेंट को अलर्ट करे तो वो पूरे लोग आके देखे तो यहाँ बहुत बड़ा सुरंग है, उसमें से पानी जा रहा है। ये एक एक्चुअली एक ड्रेनेज लाइन है जो नाला पानी जो हुसैन सागर में मिल रहा है उसको सेपरेट करने के लिए 94 में बनाया गया था, वो लाइन डैमेज होने से ये पूरा रोड डैमेज हुआ। इसको पहले कॉज पता करने के लिए नहीं तो रिपेयर करने के लिए पहले इसका इनफ्लो कम करना पड़ेगा। ये काम पे पूरे वाटर वर्क डिपार्टमेंट यहाँ पे बैठ के इसका पूरा जायज़ा कर रहे हैं, डेफिनेटली इसको जल्द से जल्द रिपेयर करके और पब्लिक को सेफ बनाएंगे। और टाइम कितना लगेगा इसको रिपेयर करने के लिए, क्योंकि पब्लिक का बहुत प्रॉब्लम हो रहा, ट्रैफिक भी बहुत जाम हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? जी, ट्रैफिक तो जाम कैसा भी बारिश के सीज़न में हर सीज़न में होता है, लेकिन ये इशू बहुत बड़ा है क्योंकि पूरे जितने भी नाला है यूसुफपुरा से लेकर जितने बारकापुर नाला जितने भी है पूरे नालों को हैंडल करने से लाइन है ये मोर देन 6-7 जो इनफ्लो सोर्सेज है वो पूरों को स्टॉप करना है, पहले इसको स्टॉप करके फिर इसको रिपेयर करना है। तो ये 6 फ्लोर्स बोले तो वो पूरे टाइम लगेगा, पहले वो बंद करने के बाद इसका काम शुरू होगा, और बंद भी ऐसा करना है कि जितना भी बारिश पानी आ रहा उसको भी हैंडल करे जैसा बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए टेक्निकली बहुत सीरियसली बैठ को लोग सोच रहे हैं, इससे और ज़्यादा नुकसान ना हुआ जैसा पब्लिक और सेफ रहे जैसा कैसा करेंगे बोल के ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब यहीं पे, वाटर वर्क डायरेक्टर पूरे यहाँ पे, MD साहब भी यहीं पे थे सुबह से, तो वो लोग वही पूरा सोच समझ के ये काम करने में टाइम को थोड़ा लगेगा। क्योंकि ये CM रोड है तेलंगाना के, KCR सर जो है यहीं से जाते आते और तमाम VIP यहीं से गुजरते हैं, और ये पब्लिक जो यहाँ पे फिरने के लिए घूमने के लिए आती वो लोग अभी यहाँ पे से आ सकते हैं जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है वो लोग को? नहीं, फॉर टाइम बीइंग तो पूरा कंट्रोल कर ले चुके हैं। जैसा आप देख रहे हैं ये रोड थोड़ा क्योंकि पानी जाने बहने से थोड़ा लूज हो गया, तो यहाँ पे पूरे लोगों को आने जाने के लिए रिस्ट्रिक्ट करें, डेफिनेटली अदर साइड सेफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग जा सकते हैं, पब्लिक सेफली यूज़ कर सकते हैं। जहाँ प्रॉब्लमेटिक है वो एरिया पूरा बैरिकेड करके वो पूरा वाटर वर्क्स और ट्रैफिक अपने अंडर में ले लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अगवा है कि सेफ नहीं है बोल के, ऐसा कुछ भी नहीं, जितना प्रॉब्लमेटिक है वो कंट्रोल में ले चुकी है और जल्द से जल्द इसका रिपेयर करके पब्लिक को फिर यूसेज के लिए रेडी रखें। और ये पब्लिक के लिए कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं आप यहाँ पे, कितने दिन में ठीक होगा, क्या है जो हवाओं आपका इंतज़ार करिए आपके मैसेज का, ये काम के लिए कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं आप? डेफिनेटली जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी काम करेंगे, लेकिन पहले 6-7 आवर्स इसको इनफ्लो काम करने के लिए टाइम लगेगा बल्कि ऑफिसर्स बोल रहे हैं। अब
कहाँ कहाँ से सोर्सेस इसमें आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई करके वो क्लोज करने के बाद ही पता चलेगा इसको सोल्यूशन प्रॉब्लम क्या हुआ पता करके सोल्यूशन जल्दी आ जाएगा, लेकिन वो आइडेंटिफाई करने के लिए 2-3 दिन तो ये लगेगा ही लगेगा। आज इन क्राइम टुडे न्यूज़ की खास बात में बात कर रहे थे विजया रेड्डी जी से जो एरिया कॉर्पोरेटर है। मैं सैयद अरशद अली बाबा के साथ क्राइम टुडे न्यूज़। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ारा शेख।